हेलो एवरीवन, आज बनने जा रहे हैं फाई वेजिटेबल फ्राइड राइस। ये राइस की जिहड़ी रेसिपी है ना, ये बहुत ही क्विक है, क्विकली तैयार हो जाते हैं, पर खाने विच इस तरह लगता है कि पता नहीं इन्हों कितना टाइम ला के बनाया है। सो ये विद इन 2 मिनट्स से रेडी हो जाते हैं, बहुत ही क्विक रेसिपी है। सो प्लीज़ डू ट्राई, लेट्स स्टार्ट। सो थाई राइस बनाने वास्ते सब तो पहला मैं एक टोफू का पैक लिया, स्मॉल पैक। इनू मैं बस ये पीसिस करके ना तो इनू रोस्ट कर लाँगी। एंड एक मैं लिया पैक मशरूम्स का, तो इन्हों भी मैं रोस्ट कर लाँगी। सो वॉश करके ना इन्हों कट के इन्हों मैं सब तो पहला रोस्ट कर लाँगी। सो मैं हम इसकी पैकिंग ओपन करके ना इन्हें थोड़ा थोड़ा इस तरह टैप करके इनू ड्राई कर लिया। सो बस ड्राई करन दे बाद इहदी हुण मैं करांगी पीसिस। बस इस तरह करके हुण असीं इहदे छोटे छोटे पीस कर लेने आ। इन्हों हूँ असी कर लाँगे रोस्ट। हम मैं एक पैन लिया, उच्च थोड़ा जहा ऐड करता ऑयल, लाइक 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। सो बस ये हूँ मैं ऐड कर दाँगी टोफू पीसिस। सो ये हूँ मैं टोफू के जोड़े पीसिस ने वो ऐड कर दाँगी। थोड़ी जी आवाज़ आई क्योंकि कीमत थोड़ा जहाँ जरा पानी रह जाता। तो बस असी इन्हें इस तरह ही एक साइड में हो देना रोस्ट लाइक 1 मिनट वास्ते, फिर असं दूजी साइड में फ्लिप कर लाँगे। बस इन्हों 1 मिनट के बाद रोस्ट होंगे हो मैं इनकी साइड जी है वो फ्लिप कर देनी है। ये जरा टोफू है ना, ईवन दो मैं यूज़ कर रही हूँ एक्स्ट्रा फर्म टोफू, स्टिल ये टोफू इन्हें थोड़ी रोस्ट करने की जरूरत होंगी है, क्योंकि जो पनीर है उन्होंने ना भी रोस्ट करो वो चल जाता है। पर जो टोफू है ना इन तुसी किसी भी अगर यदि कोई डिश बनानी है तो थोड़ा रोस्ट करके ही यूज़ करना, क्योंकि वह थोड़ा होर फर्म हो जाता टुटता नहीं, अदरवाइज किसी भी चीज़ मिक्स करोगे ना ईजीली ब्रेक हो जाएगा। सो इन असी बस दोनों साइड्स में 1-1 मिनट वास्ते रोस्ट करके दैट्स इट एंड इट्स रेडी। बस ये दोनों साइड्स में फ्लिप करते हुए 1-2 मिनट इनू बस रोस्ट करके असी इनू पैन चो बाहर कढ लाँगे। तो ये ही जी मशरूम्स है ना उन्होंने थोड़ी देर छट फ्राई करांगे। सो उसे ही सेम हीटेड पैन के मैं थोड़ी मशरूम्स ऐड करती हूँ, जिहड़ा मैं तुहानू पैक शो किया ना मैं पूरा नहीं यूज़ कर रही, सो हैफ ऑफ द पैक आई एम यूजिंग। सो बस ये ही मैं मशरूम्स ऐड करती हूँ, तो इन्हें बस 1 मिनट के वास्ते ना अच्छी थोड़ा जहा बस इनू छट फ्राई करांगे इस तरह ही। तो बस 1 मिनट इस तरह करके दैट्स इट, फिर अभी इनू भी सेम तरह बाहर कढ लाँगे जिदा असी टोफू कटिया। बस ये हम मशरूम मैं 1-1.5 मिनट वास्ते इन्होंने रोस्ट कर लिया एंड दैन आई टर्न ऑफ द गैस। तो इन बस उस ही टोफू वाली प्लेट में असी कढ लेना, बहुत ज़्यादा नहीं कुक करनी है। ओके, सो थाई राइस बनाने वास्ते सब तो जो मेन स्टैप है ना वो यही है कि ये सारे जोड़े इनग्रीडियंट्स है जस्ट ये रेडी कर लो बनाने तो पहला। सो ये थोड़ा प्रैप ही है जो थोड़ा टाइम लगता है, बाकी सो फैसट फैसट तुम सब कुछ ऐड करना हों तो तुम उदो कट्टन बैठोगे तो वो थोड़ी दूसरी चीज़ जी ओवरकुक हो जाएगी। सो जो भी तुम कोई चाइनीज़ फूड बनाते हो थाई फूड या एनी ऑफ दीज फूड्स बनाते हो तो चॉपिंग नहीं कर सकते, यू हैव टू प्रिपेयर दिस बिफोर हैंड्स कि तुम कोई भी चीज़ में ओवरकुक नहीं करना चाहते, वह रियल फ्लेवर है जो रियल फ्लेवर है उन्होंने इंजॉय करने वास्ते। सो मैं इतने ले है हैफ अनियन लिया, हैफ मीडियम अनियन है जिहड़ा उन्हों मैं स्लाइस कर लिया, थोड़ी मैं ली है ग्रीन पैपरस, हैफ ही ग्रीन पैपर मैं यूज़ कर रही हूँ, थोड़ी ही कैरट्स यूज़ कर रही हूँ, मेरे को थोड़ियाँ सी तुहाडे को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। तो सो जी ब्रोकली है उन्होंने मैं इस तरह करके पीसिस कर लिया, तो जी यदि पिछली साइड होंगी उन्होंने मैं इस तरह लंबे लंबे कट लिया। सो थोड़ी जी मैं ये तैयार कर लिया एंड नाल मैं ले है बेजल। सो मेन इनग्रीडियंट थाई राइस का यही है, सो बेजल तो तुम्हें चाहिए चाहिए है जो तुम इस तरह के चौल बनाने हैं, बाकी तुम चीज़ा अपनी पसंद ना लै सकते हो। पर टोफू और जो असी टोफू स्टर फ्राई किया एंड मशरूम्स थोड़े किए हैं, सो टोफू एंड बेजल ये थोड़े जे जरूरी है सेम फ्लेवर लियाने वास्ते। तो नाल मैं यूज़ कर रही हूँ राइस, वाइट राइस जोड़े है ना ये मैं पहला दे कुक हुए यूज़ कर रही हूँ, लैफ्ट ओवर राइस मैं कल कुक किए। सो तुसी फ्रैश जोड़े है राइस बना के वह भी यूज़ कर सकते हो, पर आई प्रेफर जोड़े लैफ्ट ओवर हो एक दिन पहला दे बने हो, कि जोड़े इस टाइप के राइस है ना ये फ्लेवर जो है बड़ा वधिया अबजॉर्ब करते हैं,
ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਲਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਘੁਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਬਾ ਦੂਸਰੇ ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਸ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਨ ਲਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਲੈਣਾ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਈਡ ਲਿਓ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਪੈਨ ਲਓਗੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਕਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਘੁਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਟੂ ਟੇਕ ਏ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਈਡ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਓਇਲ ਐਡ, ਲਾਈਕ 3 tablespoons ਆਫ ਓਇਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਤਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਓਇਲ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਐਡ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੀਅਨ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋਣ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਅਨੀਅਨ ਸੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਆਫ ਅ ਮਿੰਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹੈਵ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਰੈਡੀ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਕੁਕਿੰਗ। ਅਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਧਾ ਕੁ ਮਿੰਟ ਹੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਅਨੀਅਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਰਟਸ ਅਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਰੋਕਲੀ ਦੇ ਇਸ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੈਡੀ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਸਟਰ ਹੈਫ ਆਫ ਅ ਮਿੰਟ। ਉਸ ਹੈਫ ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਟੋਫੂ। ਟੋਫੂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਟ ਇਵਨ ਏ ਹੈਫ ਆਫ ਅ ਮਿੰਟ ਬਸ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਬਰੋਕਲੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਮਸ਼ਰੂਮ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪੈਪਰ। ਬਸ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਫ ਆਫ ਅ ਮਿੰਟ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਫ ਆਫ ਅ ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਫ ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਬੇਜ਼ਲ ਲੀਵਸ। ਬੇਜ਼ਲ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਜ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਜ਼ਲ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਫਲੇਵਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਫਿਊ ਸੈਕਿੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਪਾਈਸ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਨਾਲ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ। ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਾਲਟ। ਸਾਲਟ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੋਇਆ ਸੌਸ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਐਂਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਲੈਕ ਪੈਪਰ ਐਂਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੈੱਡ ਚਿੱਲੀ ਪਾਊਡਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਰਾਈਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਖਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਅਮਾਊਂਟ ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਾਈਸ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮਿਕਸ। ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਚੌਲ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਚੌਲ ਘੱਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਬਸ ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੋਇਆ ਸੌਸ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਹੌਟ ਸੌਸ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਚਿੱਲੀ ਗਾਰਲਿਕ ਸੌਸ। ਜਿਹੜੀ ਸੌਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਂਟ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੌਸ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਸ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ। ਬਸ ਇਹ ਸਭ ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਫਿਰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਐਂਡ ਬਸ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਰਾਈਸ ਰੈਡੀ ਨੇ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੂਣ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂ ਕੈਨ ਐਡ ਮੋਰ ਸੌਸ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਲਟ ਪੈਪਰ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਬਸ ਰਾਈਸ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਵਿੰਗ ਡਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਿਆ
एंड ये राइस बहुत ही स्वाद बने ने एंड देखिए कितनी फास्ट बने हैं। बस थोड़ा जहा प्रेप करने में ही कटिंग तुहाडी होगी, दैट्स इट। वो तो बाद ते क्विक बस विद इन 2 मिनट्स ये राइस तैयार हो गया है। बहुत ही स्वाद बने हैं, एक बार तुम बनाओगे ना तुम बार बार बनाओगे। सो प्लीज़ इस रेसिपी में जरूर ट्राई करो एंड वीडियो नू प्लीज़ लाइक करो एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के नाल जरूर शेयर करो। सी यू गाइस सून।